नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। केंद्र के सत्ता में दोबारा आने के साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। इसी को साबित करने के लिए सरकार बनने के 11 दिन बाद ही पीएम नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम लड़कियों के लिए एक बड़ी घोषणा की। हालांकि ईद का तोहफा देते हुए पीएम मोदी 5 साल में 5 करोड़ अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति देने की बड़ी घोषणा पहले ही कर चुके हैं। 11 जून को अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता की थी। बैठक में फाउंडेशन के उपाध्यक्ष अशफाक सैफी भी मौजूद थे। इसी दौरान नकवी ने सरकार की इस बड़ी घोषणा से अवगत कराते हुए बताया कि अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से दी जाने वाली छात्रवृत्ति में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी अल्पसंख्यक लड़कियों की होगी। वहीं अलग से लड़कियों को दी जाने वाली बेगम हजरत महल बालिका स्कॉलरशिप के तहत भी 10 लाख से ज्यादा छात्रवृत्ति दी जाएगी। दूसरी ओर देश भारत में ड्रॉप आउट लड़कियों को देश के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से ब्रिज कोर्स कराकर उन्हें शिक्षा और रोजगार से भी जोड़ा जाएगा। अल्पसंख्यकों के लिए नकवी ने एक और घोषणा करते हुए कहा कि जिन इलाकों में स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट की सुविधाएं नहीं है, वहां पीएम जन विकास कार्यक्रम के तहत पॉलिटेक्निक, ITI, गर्ल्स हॉस्टल, कॉलेज, स्कूल, गुरुकुल की तर्ज पर आवासीय स्कूल, कॉमन सर्विस सेंटर आदि का निर्माण युद्ध स्तर पर कराया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि पढ़ो और बढ़ो जागरूकता अभियान के तहत उन सभी क्षेत्रों में जहां सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ापन है और लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, वहां नुक्कड़ नाटक, लघु फिल्म और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। बैठक में मुख्तार अब्बास नकवी ने यह भी कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर सभी अल्पसंख्यक छात्रों को बैंक, कर्मचारी आयोग, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग देने की व्यवस्था भी की जाए। इसी तरह की न्यूज अपडेट में बने रहने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।